2000 से स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। ये 2.5 साल हो गए अचीव करने का प्लान है। ठीक है, करीब है 50 kg के 1300 रुपए पर केजी 25। और अपन कितने का बेचे हैं? 40 रुपए का। अपन लोग गन्ने के बिजनेस करते हैं, आलू का बिजनेस करते हैं। अभी सुबह से कितना बेच लिए हो? 1000-1200 का प्रॉफिट आ गया। कुछ करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। खर्चा 50,000 रुपए। बहुत चीज बेच सकते हैं, प्याज बेच सकते हैं, गोभी पत्ता सब्जी का आइटम बेच सकते हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं 12th में, तो आइए हम जानकारी लेंगे कि ये किस टाइप से शुरू किए, असेंबली स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ऐसा भी बिजनेस किया जा सकता है। हम लोग को क्या है ना कि बिजनेस के बारे बहुत सारे सोचते हैं हम लोग, लेकिन उसको कैसे हम लोग लेके जाएं, कैसे चालू करें, ये नहीं पता रहता है। तो आइए सिद्धार्थ भाई से पूछते हैं कि कहाँ से ऐसा आइडिया आया और ये किसको देखे। ऐसा और भी कुछ कर सकते थे, बट यही वाला काम क्यों किया, जैसे आलू बेच रहे हैं, है ना, ये इस टाइप से। और चलिए आइए हम इस वीडियो को पूरा देखेगा और इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सिद्धार्थ भाई थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। तो सिद्धार्थ भाई अभी क्या बिजनेस स्टार्ट किए हैं? ये आलू का बिजनेस है भाई। अपन लोग जो मार्केट से लाते हैं वहाँ सेल करते हैं भाई। ₹20 में कहाँ से लेके आ रहे हैं ये? अपन लोग आए भाई गुड़ियाई से लाए। गुड़ियाई से? तो ये क्या होलसेल मार्केट है क्या वहाँ? होलसेल मार्केट है। तो कितना लेके आए हैं? मतलब अपना ये एक क्विंटल के करीब है। एक क्विंटल? और कैसे पड़ा एक क्विंटल? क्विंटल मतलब 50 kg के में 1300 रुपए पड़ रहा है ये। अच्छा अच्छा, तो अपन को पर केजी कितना पड़ा ये? पर केजी अपन को पड़ जाएगा 25 रुपए। और अपन कितने का बेच रहे हैं? 40 रुपए का। अच्छा है, तो मतलब 15 रुपए का मुनाफा है इसमें। 15 रुपए का प्रॉफिट। आपका ये टैक्टिक्स अच्छा लगा, आपने ना लिख दिया यहाँ पे मतलब बोर्ड में, ये कहाँ से कहीं से आइडिया सोचा क्या लिखने का? आइडिया अपन लोग ये जगह देखे थे ना कि लिख दिए, तो मार्केट अच्छा पकड़ रहा था। अपन का फर्स्ट डे है भाई, अब देखते हैं क्या है आगे चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका ये फर्स्ट डे है? फर्स्ट डे। और ये छाता आपने लगा दिया, ये क्या मॉडिफाई करवाया क्या गाड़ी को? नहीं, अपन ये बाइक है तो अपने ट्राला लगवा दिए इसमें। अच्छा अच्छा, ये बाइक आप ही का है? बाइक का, ये बाइक मेरे भैया का है। भैया का, और ये लगवाए क्या? तो और भी कोई बिजनेस कर सकते थे, यही बिजनेस क्यों किए? नहीं, अपन लोग क्या है गर्मी का सीजन आता है, अपन लोग गन्ने के बिजनेस करते हैं। अभी तो गन्ना मिलता नहीं है, तो अपन लोग कहाँ खोलेंगे गन्ना, इसलिए आलू का बिजनेस है। तो आलू का अभी जस्ट चालू किए हो आप? अभी सुबह से कितना बेच लिए हो? सुबह से अपन लोग अभी तो सुबह से नहीं बेचे भाई, एक आध बोनी वोनी भी नहीं हुआ है कुछ। अच्छा, अभी तक बोनी नहीं किया क्या? अच्छा, और कैसे रोड में अभी आप बेच रहे हो, कैसा लग रहा है? मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि आपको रोड में बेचना? नहीं नहीं, कुछ करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा भाई। बनने वड़ने के लिए जो भी अपना खर्चे निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो अभी अभी क्या उम्र है अभी आपकी? अपना 16 ईयर्स है। 16 साल? 16 साल के हो? और जस्ट 16 साल में ये सोचो, अभी तो घूमने फिरने का वो है, तो क्यों नहीं सोचते घूमना फिरना? अभी घूमेंगे फिरेंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे इस टाइप से। हाँ हाँ, तो और कोई बिजनेस क्यों नहीं सोचते, कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई दूसरा बिजनेस, यही वाला क्यों? किसी को देखे थे ये बिजनेस को? नहीं नहीं, सब क्या है अपन के भैया लोग बोले कि देख ट्राई कर ले, ये चलता है तो अच्छी बात है करके बोले, तो ट्राई करने में क्या है अपन लोग खोल के देखते हैं। तो उसको देखते, तो क्या निगम का प्रॉब्लम आता है क्या रोड साइड जब अपन? तो प्याज क्यों नहीं रखे हो यार? प्याज क्या, अपन का फर्स्ट डे है ना, तो अपन लोग सोचे कि आलू का ही चला ले करके। हाँ हाँ, और क्या मतलब इसको लेके भी जा सकते हैं ना कहीं भी? कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी आराम से बेच सकते हैं। तो कितना खर्चा है ये पूरा टोटल कितने का लिए? ये अपन को पड़ा है 2300 रुपए। 2300 रुपए? मतलब आपने 2300 रुपए में चालू कर दिया अपना धंधा? चालू कर दिया। अगर ये 2300 रुपए का बेच रही है तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा अपने को? इसमें लगभग 1000-1200 का प्रॉफिट आ जाएगा। 1000-1200 रुपए का? तो क्या लगता है शाम तक पूरा बेच लोगे? शाम तक क्या है अपन लोग 10-10:30 बजे चलाएंगे। हाँ, 12 बजे से स्कूल है, स्कूल जाएंगे। अच्छा, स्कूल भी जाओगे? हाँ। वाह, बहुत अच्छा यार, मतलब आपका ये जो मुझे चीज लगा, मतलब स्कूल भी नहीं छोड़ रहे हो और काम भी, तो इस टाइप से देखने में थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी लग रहा है कि आप मोटिवेट कर रहे हो लोगों को। और देखो ये इस टाइप से ना पूरा अपना, इसमें खर्चा कितना है दोस्त? इसमें खर्चा 50,000 रुपये। 50,000 इसको पूरा बनाने में? हाँ, सेट कर। और क्या क्या बेच सकते हैं अपन इसमें? इसमें बहुत चीज बेच सकते हैं, प्याज बेच सकते हैं, गोभी पत्ता सब्जी का पूरा आइटम बेच सकते हैं। तो ये सक्सेस रहता है ये मतलब लंबा टाइम तक चलता है ये गाड़ी? अपन का ये 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया है? हाँ। ये 2.5 साल से अपन है। हाँ। आपके पास बढ़िया है। तो आपके स्कूल वाले दोस्त लोग देखेंगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा? क्या अजीब लगेगा, अब देखेंगे तो बेचते हैं तो बेचते हैं भाई। अब कुछ तो कोई आपको कुछ फील नहीं होता कि? नहीं, नहीं, नहीं। और आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सब है, मम्मी पापा सब। उन लोग क्या करते हैं? उन लोग
जैसे किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे अकेले रहते हो रायपुर में? हाँ, रूम लेके रहते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं। मैं जसपुर से हूँ। जसपुर से आप? अच्छा, तो जसपुर से यहाँ पे आके आप काम कर रहे हैं। ये कैरेट भी मिल जाता है कि? हाँ, ये भैया का है कैरेट, उन्होंने दिलाया अपन को। अगर डेली आप अपन बेचे 2300 का, तो 1000 रुपए डेली का अपने को प्रॉफिट जम जाएगा, है ना? मतलब 4000 रुपए तक का बेच लेंगे अपन, है ना, अप्रॉक्स, और अपने का बन जाएगा। तो बढ़िया लगा यार आपका ये जो आइडिया है। और क्या सोचे हो, क्या बनने का सोचे हो फ्यूचर में? देखते हैं अब आगे क्या है। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसमें कर रहा हूं। क्या स्पोर्ट्स करते हो आप? थ्रोवर है, शॉट पुट थ्रो। अच्छा, तो आप कुछ मतलब कुछ बड़ा सोच रहे हो लाइफ में? कुछ अचीव करने का प्लान है। इसी की तैयारी कर रहे हैं। क्या ओलंपिक में होता है क्या ये? हाँ, ओलंपिक में होता है। होता है? तो आप ओलंपिक में जाना चाहेंगे? अगर जाना चाहेंगे, मतलब कोई रास्ते में ऐसा बेच रहा है आलू और ऐसा सोच रखता है तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब समझ के, जानकारी लेके। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मोटिवेशन होता है, लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, है ना? तो 16 साल के हो यार, मतलब ये टाइम में तो लोग बस घूमने फिरने का ही दिन भर सोचते रहते हैं, है ना? तो बढ़िया है आपका ये, मुझे अच्छा लगा। और आप ऐसे ही करते रहिए। और अगर ये बिजनेस किसी को करना है तो अपन 2000 से चालू कर सकते हैं। 2000 से स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। चालू हो जाएगा ना? बस 2000। और छतरी कितने का लिए? छतरी अपन पहले से घर में था तो उसको। अच्छा अच्छा, यूज कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। पैसा कहाँ से लाई ये? पैसा भैया ही खुद लगाए हैं मेरे भैया ने। अच्छा, वही खुद दिए स्टार्टअप करके के बोले। तो आज सुबह सुबह आपने गया और लिया? हाँ। इससे पहले कोई काम किया है? इससे पहले कुछ नहीं, इसी अपन लोग तो हैं, गन्ना वन्ना लगाते हैं, एक कैफे है अपना। हाँ, तो आप हेल्प करते हो उसमें? दीदी भैया हैं तो वो अपना कैफे चलाते हैं। हाँ, और मैं इधर ये साइड बिजनेस करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप तरक्की करते जाइए। सिद्धार्थ भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज एक्चुअली मैं हर एक बंदे को मेडल देता हूँ, आज मेरा मेडल खत्म हो गया। और सच में आप, मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लिए मेडल लेके आए, है ना? और हिम्मत नहीं हारना चाहिए कभी भी, है ना? मेहनत करते जाना चाहिए। अपन कौन सा कोई लेवल खेलेंगे अभी तक? अपन लोग स्टेट नेशनल खेल चुके हैं। स्टेट और नेशनल खेल चुके हैं? वाह यार, मतलब ये देख रहे हो आलू बेच रहे हैं लेकिन दिमाग में बहुत बड़ा ड्रीम है। तो मेरा हर बार यही कहना रहता है यार कि कहीं भी अपन रोड साइड देखते हैं ना किसी को, उसको हल्के में मत लिया करो, है ना? कोई बहुत बड़ा सोच भी रखता है, जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ कि कुछ बड़ा करने के लिए। वैसे ही सिद्धार्थ भाई है, वो ओलंपिक खेलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे इनको। और मैं आज मेडल नहीं दिया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में ओलंपिक में जाए और मेडल के लिए खेले। और ऑलरेडी ये नेशनल और हमारा स्टेट खेल चुके हैं, तो अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है यार, नहीं अपन भी कर सकते हैं ना, तो आप लोग भी कर सकते हो, है ना? सिद्धार्थ भाई थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे सिद्धार्थ भाई, जो आजकल नशे में लोग जो कम एज के रहते हैं, नशे में चल जाते हैं और इस टाइप से सोचिंग रखते हैं? मतलब क्या होता है ना, अगर हम इस टाइप से मिडिल क्लास फैमिली में अगर हम लोग बॉर्न हुए हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब हम कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, बड़ा कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है, दुनिया तो पूरा आप ही का है। जहाँ से हम चाहे जहाँ जा सकते हो। ऐसी रोड पड़ा, यहाँ कुछ बिजनेस चालू कर लिए, ग्राउंड है कुछ अपना तैयारी कर लिए। इसे देखा जाए तो छोटे बच्चे के अक्सर नशे में दूर हो जाते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन तो मम्मी पापा का ही, जो माता पिता के उन्हीं का है कि बच्चे को सही राह दिखाना या तो आगे पीछे। आप तो नशा नहीं करते कोई किसी प्रकार का? स्पोर्ट्स पर्सन है, नशा कहाँ करे। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा यार। नॉर्मली मैं जब बेचने वाले लोग को देखता हूँ ना तो गुटखा खाते रहते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्या बोलूँ, मतलब बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। मतलब मैं समझाता हूँ ऑफ कैमरा, बट ठीक है। और सिद्धार्थ भाई अच्छा लगा आपसे, आपको कैसा लगा आज वीडियो बना के? एक अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा मेरा एक वीडियो बन जाए। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखा कि जब सिद्धार्थ भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, ये भी कभी ओलंपिक में खेलने जाएंगे। और ऐसे लोग क्या सोच देख के हमको कहीं ना कहीं फील होता है अपन भी कुछ करें लाइफ में, है ना? तो अब कभी हार मत मानिए दोस्तों, बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि आपका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बट आप चलते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये बिजनेस करना है तो मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये में आप चालू कर सकते हैं।
कभी हार नहीं मानना है जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, और ऐसे चलते रहिए। और कुछ भी है तो कमेंट में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आपको। डेली वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून। थैंक यू।